इजाज़त इजाज़त क्यों लेनी पड़ेगी, मेरी बाइक की कंपनी है, क्या दिक्कत है इसमें। 2020 में एक सिनेरियो हो गया था मेरे साथ, वो मैं आपको डिटेल बताऊंगा क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। सारी चीज़ अगर हर चीज़ मैंडेटरी जो मैंडेटरी है कंपनी के थ्रू वो सारी मैं यहाँ करवाता हूँ, उसके बावजूद भी अगर इतना बड़ा पार्ट अगर फेलियर होता है तो वो चीज़ कैसे रेक्टिफाई होती है, क्या मिसयूज़ हुआ बाइक का, 2 दिन मेरी बाइक निकली थी, क्या पता वो जो पार्ट है वो उस टाइम भी खराब हो गया, गॉड नोस। क्योंकि अगर कस्टमर उनका इतना क्योंकि इतनी रिस्पेक्ट करता है कि वो ये चीज़ अगर बाहर नहीं आने देता तो मे बी उनको भी ये चीज़ रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जी हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज तारीख है 1 अक्टूबर 2022 एंड ये वीडियो देख रहे हो तो आपका का मतलब है कि जो हमारा जो सॉल्यूशन है वो नहीं हुआ है, हमारी जो चीज़ चल रही है ना, आपने थंबनेल में हमारे टाइटल में देख लिया होगा क्या इशू चल रहा है। एक बार वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि क्या इशू चल रहा है फिलहाल, एंड उसके बाद फिर आप इजीली समझ पाओगे क्या कुछ चल रहा है फिलहाल। तो जैसे कि आपको पता है हम जैसे अपनी बाइक ऑन करते हैं जुड़वा एज ए GT 650 कॉन्टिनेंटल 650, आपको पता होगा हमने 2019 में हरियाणा की हमारी शायद पहली बाइक थी, रोहतक की हमारे एरिया की सबसे पहली बाइक थी, मे भी हरियाणा की पहली बाइक थी। तो 2019 में मैंने वो बाइक ली थी जून में, एंड अब हमारे अभी 3 साल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो बाइक हमारी बिल्कुल बढ़िया चल रही थी आज तक टिल डेट तक, बट अभी क्या इशू आ रहा है उसके अंदर इशू अभी ये आ रहा है कि जो उसकी थ्रोटल बॉडी होती है वो खराब हो चुकी है। थ्रोटल बॉडी क्या होती है मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि थ्रोटल बॉडी लाइक हार्ट बोल सकते हो आप, हमारा इंजन का मतलब हमारी बाइक का भी बोल सकते हो, इंजन का बोल सकते हो, उसी के अंदर हमारी एयर्स एंड फ्यूल का मिक्सचर होके वो एक पावर प्रोड्यूस करता है एंड उसी वजह से हमारी बाइक चलती है। तो कह सकते हो कि एयर और फ्यूल की कंबशन की वजह से फ्यूल हमारा बर्न होता है एंड वो हमें पावर प्रोड्यूस करता है, तो वो अभी फिलहाल हमारा खराब हो चुका है जिसकी वजह से हमारी बाइक कर रही है जर्क मार रही है, अच्छे से चल नहीं पा रही। वो आपको वीडियो वगैरह में आगे दिख जाएगा, मैं आपको दिखा भी दूंगा कि क्या क्या इशू हो रहा है। वो लाइक जैसे बंद होती है बाइक उसी तरह की वैसे लाइक कम स्पीड में बंद होने वाली जैसे एक सिचुएशन होती है वैसी हो रही है। हाई स्पीड में चलाओगे ठीक चलेगी, अगर स्लो चलाने की कोशिश करोगे तो वो झटके मारेगी, तो वो अभी वो हो रहा है। तो हमारी बाइक की वारंटी हमारी हो चुकी है ख़त्म, तो वारंटी में वो चीज़ अभी कवर नहीं हो सकती, आई नो दैट। बट एक चीज़ होती है हमारी कंपनी के साथ सबके साथ गुडविल, अगर गुडविल का मतलब होता है अगर आपके साथ कंपनी के साथ आपके अच्छे लिंक्स हैं, ऐसे अगर हमें सारी सर्विस टाइम पे करवा रखी है, कुछ अगर पार्ट अगर आपका कंपनी से रिकमेंडेड है कि आपको वो चीज़ चेंज करवानी है, आपने वो चीज़ टाइम पे चेंज करवाई है, तो वो चीज़ गुडविल में आती है, कंपनीज उस गुडविल में लेके करते हुए आपके पार्ट्स वगैरह चेंज कर देती है। तो वो चीज़ मैंने आगे कंपनी में रखी कि सर आप मेरी गुडविल में ये चीज़ ठीक कर दो। उनका कहना है कि सर आपने लाइक सब कंपनी से 4 सर्विसेज फ्री आती हैं, बट लाइक हमारे साथ भी आई थी 4 सर्विसेज फ्री, उसमें से उनका कहना है कि आपने एक या दो सर्विस फ्री थी वो अपनी नहीं करवा रखी है। आई थिंक वो शायद ना भी करवा रखी हो मैंने, वो क्या होती है वो रिकमेंडेड होती हुई कंपनी से बट वो ना मुझे बताई गई थी कभी, वो मुझे सिर्फ इतना बताया गया था सबको जैसे बताते कि हर 5,000 किलोमीटर पे आपको सर्विस करवानी है, या हम लेकिन मेरी बाइक के साथ क्या था हर 10,000 किलोमीटर पे या 1 साल में बाइक की सर्विस होगी, जो इंजन एंड जो सब चीज़ जो चेंज होती है, और वही रिकमेंडेड था। उसके अलावा कंपनी से ना कभी कोई फ़ोन आया, अगर मेरी कभी मिस भी हुई है तो ना लाइक मैं कभी कंपनी सर्विस करवाने गया तो कंपनी थ्रू कभी बताया भी नहीं गया। कंपनी वो बोलते हैं कि आपको फ़ोन किए गए हैं हमारी तरफ से एंड मैसेज वगैरह किए गए हैं, मैसेज मेरे पास आज तक एक भी नहीं, अगर कंपनी रिकॉर्ड दिखा दे तो मैं उस चीज़ को मानने को तैयार हूँ। फ़ोन कहते हैं अगर आप किया हुआ सर आपका बिजी गया हुआ, अगर बिजी गया होता है तो अगर कभी मैं सर्विस कराने जाता हूँ तो वो मुझे जब भी बता सकते थे, वो मुझे जब भी नहीं बताया गया। और अगर कंपनी से अगर आप कभी सर्विस करा के आते तो उनका स्कोर मांगने के लिए उनके 10 फोन आ जाते हैं कि सर आप हमें रेटिंग दीजिए, अगर वो जब तक 10 फोन कर सकते हैं तो अगर ये चीज़ मैंडेटरी है तो क्या फ़ोन क्यों नहीं है। ये चीज़ सिर्फ रेगुलर चेकअप के लिए वो सर्विस होती है, ना कि कुछ चेंज होने के लिए, तो वो एक इशू बनाया मतलब एक पॉइंट उठाना था उनको, उन्होंने वो चीज़ उठा दी। मैंने कहा चल ठीक है सर, इस चीज़ में गुडविल नहीं आती है, बट बात अब उठ के कहाँ पे आती है, अगर इतना तक हो जाता तो मैं कुछ शायद मैंने ये बात नहीं उठाता। लाइक 2019 में जैसे हमने बाइक ली थी तो 2020 में सर्दियों में हमारे साथ एक रॉयल एनफील्ड कंपनी रोहतक से एक फ्रॉड हुआ था। ये वीडियो मैं अभी इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मेल्स वगैरह हो चुके हैं आगे कंपनी, तो कंपनी शायद मना कर दिया होगा इसलिए ये वीडियो डाल रही है। फ्रॉड हुआ था, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ क्या हुआ था। मेरी बाइक मैंने अपने शोरूम में कंपनी में दी थी कुछ इशू की वजह से, और वो बाइक हमारी मिसयूज़ हुई थी 2 दिन के लिए, हमें बिना बताए गए वो बाइक निकाल ली गई थी कंपनी से, वो चलाई गई थी अराउंड 100 किलोमीटर। वो हुआ था 2020 में, वो कभी मैंने ना कभी वीडियो में बताया आपको, ना कभी मैंने वो डिस्क्लोज करी वो बात की बात है, क्यों नहीं करी एंड क्या सब हुआ था वो बताऊंगा बाद में आपको। मैंने मेल्स वगैरह भी किए कंपनी को उस टाइम पे, बट कंपनी की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला था, तो वो बात मैंने वो क्यों बंद करी वो चीज़ क्यों आगे लेके आई मैं वो बात बताऊंगा, बट ऐसे ऐसे
हुआ था हमारे साथ 2020 में। बाइक हमारे 2 दिन के लिए चली थी एंड बाहर कोई ले गया था, कंपनी का ही बंदा था एंड कंपनी के थ्रू ही हुआ सारी चीज़, वो सारी रिकॉर्ड वगैरह सब है। फिर मैंने अभी इशू पॉइंट अभी उठाया कि सर अगर आप इस चीज़ को गुड वैल्यू में नहीं लेते हो कि मैंने फ्री सर्विस एक चीज़ मिस हो गई है मेरी, तो जो मेरे साथ अभी उस टाइम 2020 में हुआ था क्या पता ये वाला इशू उस टाइम आया हो और अब रेक्टिफाई हो रहा है, तो इस चीज़ को कौन रेक्टिफाई करेगा? क्योंकि मैंने उस टाइम कंपनी में मेल भी करे थे, हर चीज़ कंप्लेन करी थी, तो उस टाइम मेरा अगर वो चीज़ नहीं अगर बाहर आती है, अगर उसी का कोई सोल्यूशन नहीं होता है, तो अब अगर ये चीज़ बाहर आ रही है तो उस वो पॉइंट अगर नहीं मेंशन होता कि आप उस टाइम पे कस्टमर की बाइक के साथ फ्रॉड हुआ था एंड उसकी कंपनी के बंदे या कंपनी के द्वारा वो बाइक मिसयूज हुई थी, तो वो चीज़ गुडविल में आती है या नहीं आती है? तो ये चीज़ है कंपनी का मेरी तरह से जवाब। दूसरी बात क्या होता है कि मेरी बाइक में ये इशू पहले भी आ रहा था, वारंटी से पहले भी था ये चीज़, मैंने उनको बताई कंपनी में, बट मेरी बाइक में क्या इशू हो रहा था कि जो रेस की वायर होती है वो ख़राब हो रखी थी, तो कंपनी के जो चेक करते हैं उनको मैंने बताया ये चीज़, तो उन्होंने बोला कि सर आपकी रेस की वायर भी में ख़राब है, रेस की वायर आप चेंज करा ले, उसकी मे बी उसकी वजह से ये इशू आ रहा हो। रेस की वायर मैंने 1-1.5 महीना वहाँ पे वो ऑर्डर लगवाया, उनका वो ऑर्डर नहीं आया, जिसकी वजह से और डिले होता गया। अब जाके वो ना तो वो पार्ट अब तक आया था, बट फिर जब ये ज़्यादा दिक्कत होने लगी तो मैंने अब प्रॉपर चेक करवाई, तो अब ये जाके पता चला कि भाई आपकी थ्रोटल बॉडी ही ख़राब है। ठीक है, ये चीज़ मतलब वो आप कह सकते हो लापरवाही है कंपनी की तरफ से, उन्होंने उस टाइम पे ना वो पार्ट आते, अगर वो पार्ट ना आया उन्होंने चेक हुआ उस टाइम पे कि वो किस लिए इशू है, और अब ये चीज़ बाहर निकल के आ रही है कि भाई थ्रोटल बॉडी ख़राब है। एक चीज़ और मुझे नहीं पता ये चीज़ क्या है मेरी बाइक में, जैसे लाइक 2020 में लाइक जो फ्रॉड हुआ था उस टाइम मैं क्या क्यों गया था, मैं गया था अपने शॉकर्स की वजह से, शॉकर्स में जो मुझे लगता था ख़राब हो रखे हैं मेरी बाइक के एंड इसकी वजह से मेरी बाइक फंबल कर रही है, बट वो फंबल और किसी की वजह से कर रही थी, लाइक जो कौन वगैरह कौन सेट होता है बाइक का, जो अभी हमारा चेक करवाया था पिछली बार हमने सर्विस पर ठीक करवा लिया था, वो ठीक हो चुका है, बट उस टाइम पे मुझे लगा शॉकर की दिक्कत होगी, तो बट फिलहाल अभी कुछ दिन पहले शॉकर भी मैंने चेंज नहीं करवाया लाइक शॉकर्स लीक हो रखे थे, तो लोग शॉकर्स के जो लीक है जब वो करवाई थी एंड जो उसके उनकी जो बैरिंग वो जो होते हैं उनकी सील वगैरह थी वो डलवाई थी, तो मुझे नहीं पता अगर लाइक कंपनी के द्वारा बोला जाता कि जो शॉकर्स होते हैं वो वारंटी में होते हैं, बट अगर शॉकर आपके लीक हो जाते हैं विदाउट एनी किसी डैमेज, ये रिकॉर्डेड है, मैंने अभी मैनेजर से इनके बात भी करी, उन्होंने बोला कि अगर आपके शॉकर लीक हो जाते हैं तो उसका पेमेंट आपको देनी पड़ती है, वो चीज़ मुझे नहीं पता वो है या नहीं है, वो एक बार अगर किसी को नॉलेज है तो बताएं, बाकी मैं कंपनी में बात करके पूछूंगा। बात अभी यहाँ पे है, फिर मैं अभी आज सुबह कंपनी में गया था, सारी मेल्स वगैरह करवाई हैं, जो मैनेजर है उनसे बात हुई है, वो आप आगे वीडियो में देख लेना एंड लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। आगे उन्होंने मेल कर चुकी है, मेल का कुछ रिस्पॉन्ड नहीं आया है, मना हो चुकी है आगे से फिलहाल, इसलिए वीडियो डल रही है। अब आगे मैं अपनी तरफ से मेल करूंगा कंपनी को एंड लेट्स सी क्या होता है, हमारा क्या सोल्यूशन होता है एंड जैसे रहेगा वो आपको आगे वीडियो में बता जाएगा। जो 2020 में हमारे साथ फ्रॉड हुआ था उसकी भी सारी एक एक चीज़ डिटेल में अब डालने वाला हूँ कंपनी के लिए कि यहाँ पे बुधवार रॉयल फील्ड कंपनी के द्वारा क्या फ्रॉड हुआ था 2020 में। सारे मेल्स करने के बावजूद कोई सपोर्ट नहीं मिला मुझे, ना रॉयल फील्ड से ना इन यहाँ से इनके डीलर की तरफ से। अब वीडियो आगे देख लीजिए एंड फिर आगे धीरे धीरे बात करते हैं। फिलहाल अभी मैं हूँ रॉयल फील्ड में अपनी रोहतक में, बुधवार जो मोटर है हमारी अभी बाइक लेके आया हूँ, इसमें काफ़ी थोड़े इश्यूज आ रहे हैं वो एक बार डिस्कस करूँगा यहाँ पे, अगर हो सकता है मैंने जैसे मिलके करेंगे नहीं तो घर जाके आराम से बताऊँगा। इसमें काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं एंड मेन जो इशूज़ था वो जो हमारा बबलिंग का था वो ठीक हो चुका था उसके बाद, बट अब जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो आ चुका है इसमें एंड वो फिलहाल अभी बाइक में इशू आ रहा है, हमारा जो थ्रोटल बॉडी होती है थ्रोटल बॉडी में इशू आ रहा है, बाइक चलते वक्त जर्क मारती है, तो थ्रोटल बॉडी होती है लाइक जो हमारी जो एयर होती है हमारी, वो एयर और हमारा जो फ्यूल है वो मिलके एक पावर प्रोड्यूस करते हैं, अगर वो एयर अगर अच्छे से नहीं आती है तो वो फंबलिंग वाली जो इशू आती है बाइक के अंदर। हाँ जी, क्या यूट्यूब है ना, ब्लॉगिंग करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, फिर अपना बता रहा हूँ ना मैं अपने बारे में, यहाँ तो इजाज़त लेनी पड़ेगी मालिक से, इजाज़त क्यों लेनी पड़ेगी, मेरी बाइक कंपनी है, क्या दिक्कत है इसमें, अपने बाइक के बारे में बता रहा हूँ मैं, कोई कंपनी के बात थोड़ी वो चीज़ है, इसमें क्या परमिशन लेनी है, तो फिर फिलहाल तो इसमें इशू आ रहा है, तो एक्चुअली अब वारंटी मेरी बाइक की ख़त्म हो चुकी है, जून में ख़त्म हो गई थी मेरी बाइक की वारंटी, तो वारंटी में तो ये वाली चीज़ अभी कवर नहीं हो सकती है, बट इनके पास कंपनी में गुडविल वाला एक ऑप्शन होता है, गुडविल में अगर आपकी सर्विस वगैरह हर चीज़ टाइम पर हुई है तो वो चीज़ कवर हो जाती है आपकी गुडविल में, बट
अब मैनेजर वगैरह जिनसे बात हुई है, मैं अगर हुआ तो उससे बात कराऊंगा, उनमें क्या कह रहे हैं कि स्टार्टिंग की जो सर्विस होती है, चार सर्विस फ्री होती है, उन चार सर्विस में से स्टार्टिंग के एक या दो है वो सर्विस मिस हो चुके हैं, वो नहीं करवाई है। उसका रीज़न पहला ये है कि ना तो मेरे मुझे इनके द्वारा बताया गया कि भाई सर्विस आपको करवानी होती है, क्योंकि मेरी बाइक में हर 10,000 किलोमीटर या एक साल के बाद सर्विस मैंडेटरी होती है, जो मैं हमेशा कराता हूँ, और जो भी पार्ट्स वगैरह जो खराब हुए वो सारे मैंने टाइम टाइम हर चीज़ यहाँ पे करवाई है। सर्विस उसमें क्या होता है, 5,000 किलोमीटर पे फ्री सर्विस होती होगी, इसमें चेकअप वगैरह करते होंगे, ये वो चेकअप नहीं हुआ है, वो ना इनके द्वारा बताया गया था मेरे को और ना मुझे पता था वो चीज़, तो वो चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना उस चीज़ में इतना कोई चेंज होता नहीं है। फ्यूल के बाद 2019 में बाइक ली थी, 2020 में एक सिनेरियो हो गया था मेरे साथ, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। कंपनी में एक बड़ा इशू हो गया था, वो मैंने ऑनलाइन नहीं डाला ना किसी से, क्योंकि मेल्स वगैरह कर रहे थे, बट मेल जब कोई रिवर्ट नहीं आया मेरे पास, तो वो चीज़ मैंने वहाँ पर बंद कर दी। वो चीज़ मुझे लगता है वो उस चीज़ की वजह से मेरी बाइक के अंदर ये वारंटी वाला जो ये पार्ट है ये खराब हो सकता है, वो मैं अभी इनको कह रहा हूँ कि वो चीज़ आपके थ्रू हुई है, क्योंकि वो चीज़ अगर ये नहीं मानते तो पर्टिकुलर वीडियो वगैरह बनाऊंगा, मैं मेल डालूंगा इनके, अगर ये मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो डालनी पड़ेगी मुझे अनफॉर्चुनेटली। अब देखते हैं, मैंने वो मेल वगैरह करवाया कि गुडविल में ठीक करवाए, अगर ये मानते हैं ठीक है, नहीं तो फिर वो मेल वगैरह हमें करनी पड़ेगी आगे जाके। फिलहाल बाइक में क्या शोरूम दिखाता हूँ, बाइक में फिलहाल तो एक तो मोस्टली क्या हो रहा है, जो बुजर्ग मार रही है, पहले भी मैं इस दिक्कत के लिए आया हूँ इनके पास, बट इन्होंने क्या बोला है कि लाइक मेरी अभी मेरी ड्यूटी कर देते हैं एक बार, लाइक जो एक मीटर है वो भी नहीं चल रहा है, जो रेस की जिसे आप देख सकते हो कि जो मीटर है वो कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है, एंड बाइक कैसे झटके से मार रही है, तो ये वाला जो इशू है थ्रोटल बॉडी की जैसे इशू होता है, एंड वायर भी खराब हो रखी है इसकी। तो 2-3 महीने पहले भी मैं इस वाले इशू के लिए आया हुआ था, इन्होंने कहा था कि ये शायद ये आपकी वायर वगैरह दिक्कत है इसलिए वो चीज़ हो रही होगी, और ये वायर अब तक नहीं आई, 2 महीने हो गए फिलहाल भी ये वायर नहीं आई है, बट अब जो मैंने प्रॉपर खुलवाया तो पता चला कि ये वायर की दिक्कत नहीं, इसकी दिक्कत है, उसके टाइम की वजह से मेरा थ्रोटल मेरा वारंटी भी अवॉइड हो गई है। तो ये वाला इशू है, देख सकते हो कैसे फ्लक्चुएट कर रही है इसकी वाली, और ये वाली चल रही है, बट ये जो रेस वाली सुई है और ये मीटर ये दोनों काम नहीं कर रहे हैं, तो ये वाली दिक्कत है। तो हेलो भाई, अभी फिलहाल कंपनी में आ चुकी अमन भाई है, कैसे भाई, ठीक हो? बढ़िया भाई। ये सर यहाँ पे मैनेजर है यहाँ पे, तो ये काफ़ी हेल्प कर रहे हैं हमारी अपने जो बाइक के अंदर जो इशू आ रहा है उसको रेक्टिफाई करने के लिए, जैसे कि मैंने बता दिया कि बाइक में क्या इशू आ रहा है फिलहाल आप सबको पता ही है, एंड अमन भाई ने आगे मेल वगैरह कर दिया अपना, भाई ने मेल कर दिया, कल जो इनके सीनियर्स थे उनसे मेरी बात करवा दी। एक्चुअली मैंने वही चीज़ उनसे सारी चीज़ उनसे शेयर करी कि अगर सारी चीज़ अगर हर चीज़ मैंडेटरी जो मैंडेटरी है कंपनी के थ्रू वो सारी मैं यहाँ करवाता हूँ, उसके बावजूद भी अगर इतना बड़ा पार्ट अगर फेलियर होता है तो वो चीज़ कैसे रेक्टिफाई होती है, और मेन जो इशू मैंने बताया था कि 2020 में जैसे मैंने बताया सिनेरियो कि यहाँ पे मेरे साथ मैनेजर को क्या इशू हुई थी, वो मैं वो सर नहीं थे उस टाइम पर, और कोई बंदा था वहाँ पे उस टाइम, क्या मिसयूज़ हुआ बाइक का, 2 दिन मेरी बाइक निकली थी, क्या पता वो जो पार्ट है वो उस टाइम भी खराब हो गया, गॉड नोस, क्योंकि उस टाइम भी वही फुल बिल वाली बात की वजह से मैंने वो चीज़ करी, वो सर तो इसमें है नहीं, वो तो डायरेक्ट कंपनी के साथ मेरा लिंक है उस चीज़ में, तो अगर वो चीज़ अगर मैं वहाँ पे गुडविल के चलते अगर मैं उनका कंप्लेन नहीं करता हूँ तो कंपनी को भी आई थॉट ये चीज़ इतनी बड़ी अगर इतना बड़ा पार्ट खराब हो रहा था उसको गुडविल में ऐड करना चाहिए, वो चीज़ मैं फिर लाइक आगे अगर नहीं सर अगर कंपनी नहीं मानती तो वो आगे उस चीज़ को आगे लेके जाएंगे, मैं इस बार करेंगे, क्योंकि वो सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है सारी चीज़ें कि बाइक बार बाहर बार गई, वो चीज़ बात की बात है। एंड सर एक चीज़ और बता रहे हैं कि जो हमारे शॉकर जो सील्स वगैरह होते हैं जो ऑयल होते हैं वो हमारे वारंटी में नहीं आते हैं, वारंटी में नहीं आते हैं, वो ऑल ओवर पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी सील और ऑयल आपका वारंटी में नहीं आता है। अच्छा, अगर मुझे थोड़ी ये इस चीज़ का कंफर्मेशन नहीं थी, मुझे लगता था कि आपके पीरियोडिक मेंटेनेंस में नॉट है, आप पढ़ सकते हो अपने आप को, मैं जो दिखा रहा था मुझे लगा कि जैसे अगर पूरा शॉकर जैसे वारंटी में आता तो अगर बाई चांस अगर शॉकर का ऑयल अगर लीक हो जाता है उसको चेंज होना था तो पेड़ हो जाता है, क्योंकि वो कुछ वो चीज़ मैंने बोली तो कुछ सर बता रहे हैं वो हम रिसर्च कर लेंगे, तो वो पेड़ में चेंज होती है इसकी जो ऑयल है, बट मेन अभी इशू आ रहा है हमारा थ्रोटल बॉडी का, और जो वायर वाली दिक्कत मैंने बताई थी कि वायर वजह से, क्योंकि मैंने वारंटी से पहले भी मैं आया था, मैंने बताया जब ये वारंटी खत्म हुई ना उससे पहले भी मैं आया था कि भाई ये कि ये जर्क वाली चीज़, तो उस टाइम क्या था जो यहाँ पे जिन्होंने टेस्ट किया उन्होंने ये कहा था कि भाई आपके रेस की जो थ्रोटल वो है वो वायर खराब हो रखी है, उसकी वजह से हो सकता है कि ये मिसिंग कर रही है, वो तो रिपोर्ट पता लगता है। हाँ वो चीज़ वो तो चेक था, उस टाइम मैंने ऑर्डर वगैरह भी लगवा दिए थे वायर वगैरह के, वो अब तक भी नहीं आया, वो तो चेक करवा रहे थे आपने लगवाया था, उसके बारे में नहीं बताया वो चीज़ मैंने जो यहाँ पे जो चेक करते हैं उनसे बात होती है, आपके नॉलेज में नहीं, वैसे आपको वैसे मैंने जो यहाँ पे जो चेक करते हैं जो टेस्ट लेते हैं उनको बता दिया था, वो बोले कि आप वोट लगवा दो, वोट लगवा दे, वोट आया नहीं, अब अपनी वारंटी अवॉइड होगी, क्योंकि उस टाइम पे मैंने आपको बताया कि 2 दिन के लिए बाइक मेरी वो बंदा ले गया था,
उसकी सॉरी की माफी है मेरे पास, मेरे पास मेल है, मेरे मेल भी फॉरवर्ड करी है, फोन रिकॉर्डिंग है, कॉल है, वो सारी चीज है मेरे पास। तो वो मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि वो चीज भी है। तो एक बार उनको भी कंपनी को अगर ये वीडियो डालने से पहले आप एक बार उनको बोल देना कि गुडविल में अगर वो कर सके, क्योंकि अगर कस्टमर उनका इतना क्योंकि इतनी रिस्पेक्ट करता है कि वो ये चीज़ अगर बाहर नहीं आने देता तो मे भी उनको भी ये चीज़ रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बाकी जो अमन सर है वो हर जगह सपोर्ट कर रहे हैं, मेल वगैरह कर रहे हैं, अभी भी इन्होंने मेल कर दी है उनको अनिरुद्ध सर को, एंड वो आगे फॉरवर्ड कर देंगे, कल तक हमारा पास चल जाएगा भाई की क्या रिपोर्ट आते हैं ना। और कुछ सर आप कहना चाहते हैं? बस कुछ नहीं सर, मैं तो आपको बता ही चुका हूँ, आपको कल मैंने यही बोला था, थोड़ा सा वेट करो इनमें टाइम। हाँ, वेट करो तो वो तो कोई तो वेट कर ही रहे। सर्विस आपकी मिस है, तो जो एमएनजी में दिखा मेरे सिस्टम में सर्विस नहीं मिस है सर, वो फ्री सर्विस मिस है, वो जो आप कह रहे हो कि रेगुलर चेकअप वाली सर्विस है। रेगुलर सर उस मैसेज आया ना, बस कॉल आई है ना, मेरे पास कोई रिटर्न में मैसेज आया है। आपने ये बात आज मुझे बताई, इससे पहले आपने कभी मुझे नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था कि ये चीज़ ऐसे हो। टाइम से पता चल रही, जो फ्रॉड वाली बता रही वो बात भी तो अभी बाहर निकल के आई है, उन्होंने जो भी बाइक का इश्यूज हुआ था वो बात भी तो अभी मैं निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये इशू पड़ रहा है, मेरे को भी नहीं पता था, आप भी आज ही बता रहे हैं, मेरे को नहीं पता है। और उसके बाद भी अगर आपकी गाड़ी में आप कह रहे हो कि भाई जब उस टाइम उन्होंने भाई जब साल के बाद अगर इशू आ रहा है तो फिर उसको कौन, मेरे को दर्शन ही नहीं पता कि आपने किससे बात, मेरे को मेल वगैरह देखा वो सारे, वो मेल वगैरह देखा तो एक बार करते हैं बात। बाकी जो सर तो पूरा हेल्प कर ही रहे हैं इस चीज़ में, और देखते हैं जैसे गुडविल की अगर हो जाए तो वेल एंड गुड है। बताते हैं सर को मैं वो मेल वगैरह दिखा दूँ आपको। तो भाई फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 4 बजे, एंड जैसे कि आपने देख लिया मैनेजर वगैरह से जो जो हमने बात करी है वो देखते हैं अभी। हाँ वैसे तो हाँ बोल रहे हैं कि भाई पूरा सपोर्ट करेंगे, बट उन सारी चीज़ों को जो पुरानी थी वो मैंने वो सारी चीज़ों को बता दी है। आपको भी डिटेल में बताऊंगा कि मेरे साथ 2020 में क्या फ्रॉड हुआ था कंपनी में। अगर ये चीज़ अगर वारंटी में नहीं करते तो वो चीज़ बाहर जब आएगी, क्योंकि वो चीज़ बहुत बड़ा एक पॉइंट है, वो चीज़ पार्ट ख़राब होने का हो सकता है, तो वो चीज़ बाद में उठाएंगे। बाकी फिलहाल अभी अगर वारंटी में अगर होती है ठीक है, नहीं तो देख सकते हो वो रॉयल एनफील्ड है, और जस्ट यहाँ से निकलते ही एक भाई है यहाँ पे, मिस्त्री है यहाँ पे जो काम करते हैं, ये बाइक्स वगैरह के एक्सपर्ट हैं, बाइक उनको दिखा रहा हूँ एक बार यार, वहाँ से तो मतलब भरोसा उठ सही गया मेरा, तो इनको दिखा रहा हूँ एक बार बाइक चेक करवा के, अगर बाई चांस अगर 1% वहाँ से ठीक नहीं होती तो बाइक तो ठीक करवानी पड़ेगी ही, तो फिर हम बाहर ठीक करवा लेंगे। बस फिलहाल वो बाइक गया है चेक करने के लिए, देखते हैं क्या इशू और क्या चीज़ बताता है। बाकी अभी फिलहाल दिखा रहा हूँ मैं, बाकी खुलवाऊंगा नहीं अभी, अभी उनका वेट करते हैं वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं।